वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। और फिर मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई, एक्साइटमेंट लेवल्स एट इट्स पीक। कल शाम से जब से नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर विष्णुवर्धन ने अपने एक इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, सिर्फ और सिर्फ सलमान खान के फैंस ही नहीं बल्कि वो न्यूट्रल ऑडियंसेस जो सलमान खान को कुछ बहुत ही डिफरेंट जो है अच्छे डायरेक्टर्स और अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ करता हुआ देखना चाहते हैं, उनकी एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बट जब भी कोई फिल्म शुरू होती है, राइट फ्रॉम इट्स कंसेप्चुलाइजेशन, प्री विजुअलाइजेशन, द स्क्रिप्टिंग, द स्टोरी बोर्ड, द प्री प्रोडक्शन, टू द नरेशन, टू द पेपर वर्क, टू द पोस्ट, टू द सीजी, टू द कलर, टू द रिलीज, टू द मार्केटिंग, ये एक बहुत ही कठिन रास्ता रहता है। इसमें इस रास्ते में रोड़े और बाधाएं आएगी। ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो कि एकदम स्मूथ, यू नो, एक ड्रीम रन रही है। एंड गाइस, अनफॉर्चुनेटली वो कोलैबोरेशन जो सुन के ही इट वॉज म्यूजिक टू आर इयर्स, यू नो, सुन के मजा आ गया था कि सलमान खान धर्मा प्रोडक्शंस के साथ कुछ कुछ होता है के बाद आने वाले हैं, वो भी एक लीड रोल में। एंड जब पता चला कि इसके डायरेक्टर होने वाले हैं नन अदर देन विष्णुवर्धन, देखो गाइस, विष्णुवर्धन ने साउथ में जिस तरह से यहाँ पर तला अजीत को प्रेजेंट किया है, चाहे वो बिल्ला हो या फिर आरंभम हो, वाकई में काबिले तारीफ है। पवन कल्याण की पंजा अगर आप लोग देख लोगे, उसमें पवन कल्याण का प्रेजेंटेशन देख लोगे, उसमें किस तरह से उसने पवन कल्याण को इंट्रोड्यूस किया, रीइंट्रोड्यूस कह सकता हूँ, यू विल कम टू नो कि विष्णुवर्धन कैसा डायरेक्टर है एंड वो स्टार को किस तरह से बड़े पर्दे पर प्रोजेक्ट कर सकता है, तो आपको पता चलेगा विष्णुवर्धन की खांसी। लेकिन गाइज, यहाँ पर विष्णुवर्धन ने हमको वो सब करने दिया ही नहीं। वो आया यहाँ पर, उसने हम सभी लोगों को लॉकडाउन में एक ऑल टाइम मास्टरपीस फिल्म दी जिसका नाम है शेरशाह, एंड नेशनल अवार्ड उसका सबसे बड़ा सबूत है। तो अब एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा बढ़ गई। सलमान खान ने भी कह दिया यू नो शो पर कि मैं तो करण जोहर का कोलैबोरेट कर रहा हूँ, एंड बाद में खबरें भी आ गई। एंड सबसे बड़ा इस पूरे के पूरे कारनामे में जो मोहर लगी वो थी इसके मुहूर्त की। मैंने आपको पहले ही बता दिया था किस तरह से इसका मुहूर्त हुआ, कहाँ हुआ, कितने बजे हुआ, सबको इन्वाइट किया है, सब डिटेल्स मैंने आपको बताई। यानी कि ये बात झूठ नहीं थी, ये बात सरासर 101% सही थी कि बुल नाम की फिल्म जो है धर्मा प्रोडक्शन यहाँ पे सलमान खान के साथ बना रहे हैं, एंड बाकायदा इसका पूजा सेरेमनी एंड मुहूर्त भी हुआ। फिर गाइस, एक बहुत ही दुखद खबर है, सबको धक्का लगा दिल में जब ये बात सामने आई कि बुल शेल्व हो गई है। अब अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द मालदीव्स इंसिडेंट एंड ड्यू टू द टेंशंस बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स, बुल जो है वो अब नहीं बनेगी। बुल अभी शेल्व हो गई है, बुल कभी बनेगी ही नहीं, बुल बस एक सपना बन के रह जाएगी। सबके दिलों की धड़कने जो है थम गई, बहुत बुरा लगा सबको, यू नो, लेकिन वो खबरें थी उसमें 100% जो है वो सच्चाइयां नहीं थी। यस, बुल पुश हुई थी, मैंने आपको पहले वीडियो बना के बताया, मैंने हर वीडियो में ये बात कंफर्म किया कि सिकंदर एंड बुल यही दो फिल्में हैं, इनको छोड़ के डोंट लुक फॉरवर्ड, क्योंकि बाकी कुछ भी पेपर पर पक्का पानी नहीं है। बातों बातों में बहुत चीजें हो जाती है, लेकिन फिलहाल व्हाट यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू इज सिकंदर एंड बुल। सिकंदर के बारे में हमने सब डिस्कस कर लिया है, एग्जैक्टली क्या है, क्या होने वाला है। अभी मई में फिल्म फ्लोर्स पर जाने वाली है, 10-15 दिन का शेड्यूल होगा, वापस जुलाई एंड में फिल्म फ्लोर्स पर जाएगी। बुल मैंने पहले कह दिया था इस साल के अंत होते होते, जो आखिरी के महीने हैं तभी फ्लोर्स पर जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना प्रोडक्शन हाउस कुछ बोला, ना सलमान खान कुछ बोल रहे हैं, ना डायरेक्टर कुछ बोल रहा है। सोने पर सुहागा यह है कि अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही नहीं हुई है। देखिए, बहुत सारे फिल्में हैं जो विदाउट ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है फ्लोर पर चली जाती है, एंड जब शूटिंग रैप अप होती तो ये कौन सी पिक्चर है, ये तो कभी शुरू ही नहीं हुई। जैसे कि अक्षय कुमार की खेल खेल में परसों अनाउंसमेंट हुआ, तो जो चैनल देख रहे अपन तो डिस्कस कर रहे पिक्चर के बारे में, जो कॉमन ऑडियंस है वो बोलेगा कि सर ये कब हो गया, ये क्या हो रहा है, अक्षय कुमार जरा फरदीन हुआ कहां से शूटिंग कर लिया भाई सब। तो ये जो फिल्म है गुमनामी में खो जाती है। लेकिन कल एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, आई थिंक बहुत जरूरी था ये हमारे सामने आना। सबसे खुशी की बात ये है, वी हैव टू ग्रेट्स ओवर यो, वन इज यार मुर्गदास, जिसकी तारीफ आमिर मामू ने कर दी है कि वो किसी की सुनेगा नहीं, उसका जो दिल खोपड़ी चाहेगी ना वो वही करेगा। दूसरा है विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन का सेम मेंटेलिटी है, सेम चीज है। वो ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे ये एक्टर है, वो है, वो है, एंड यहाँ पर इसी तरह का ट्रीटमेंट चाहिए सलमान खान की फिल्म के लिए। वो यस मैन जो रहता है ना इंडस्ट्री का,
यस मैन, जिस दिन इंडस्ट्री से निकल गया शॉर्ट कैसा लगा? सर सुपर, सर सुपर, सर सुपर, लुकिंग फैबुलस, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। तब क्यों शॉर्ट नहीं अच्छा आया है? इमोशन कैसा लगा? सर सुपर सर, आई एम क्राइंग सर बिहाइंड कैमरा। यू आर क्राइंग, ऑडियंस विल ऑल्सो क्राई, ऑडियंस फुल क्राइंग सर, टेकिंग टावल टू थिएटर। हो सुपर हिट पिक्चर है मेरी ये। तो जब खत्म कर देगा ना डायरेक्टर, तब जाके अच्छी फिल्म बनेगी, लेकिन वो अंदर से नहीं आएगा। ये विष्णुवर्धन एंड मुर्गदास दोनों यस मैन नहीं है। एंड कल विष्णुवर्धन ने क्लियरली यहाँ पर इंडिया ग्लिट्स को एक इंटरव्यू देते टाइम कहा है गाइस कि मेरी एक फिल्म है अभी साउथ की मैं कर रहा हूँ, और दोनों में क्या प्रॉब्लम हुई है, वो दोनों बंदे अपनी अपनी साउथ की फिल्में कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत जो डिले हुआ है। सलमान खान इज एंजॉइंग हिमसेल्फ, अब देख रहे हो यूके में आराम से मस्त जैकेट वैकेट पहन के भाई घूम रहे हैं, उनको पता है मेरा डेट यहाँ यहाँ है, मुझे बिग बॉस यहाँ 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 शूट करना है, ही हैज हिज स्केड्यूल ओवर देयर। तो फैंस को नहीं पता एग्जैक्टली क्या होने वाला है, उन्हें अपडेट्स के इंतजार करते हैं। लेकिन विष्णुवर्धन ने कल पहली बार आकर यहाँ पर मीडिया के सामने कहा है, एंड वो भी अपने वाले मीडिया वालों को नहीं, जो कि कोई काम के नहीं है, साउथ में मस्त बैठ के इंटरव्यू बोला है। और सलमान खान फिल्म, तो सलमान खान फिल्म उसने अपने मुंह से बोल दिया, धर्मा प्रोडक्शंस करण जोहर, ही हैज सेड दिस फर्स्ट टाइम ऑन रिकॉर्ड। जितने लोग भी उदास थे कि बुल नहीं बनेगी, बुल शेल हो गई है, उनको जवाब जो है यहाँ पर मिल चुका है। एंड फैंस तो इतने एक्साइटेड है कि वो सिकंदर छोड़ वो बुल के पीछे पड़ गए, क्योंकि बुल की स्क्रिप्ट है ना गाइस बहुत मस्त है। रविंद्र कौशिक जी की ब्लैक टाइगर अगर बनती ना वो तो इतिहास रच देती वो फिल्म, नहीं अनफॉर्चुनेटली फिल्में नहीं बनी। राजकुमार गुप्ता रिटन अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, उन्होंने लीगल इश्यूज हो गए, फिल्म को नहीं बनने दिया, वो बनी नहीं। लेकिन अब गाइस ये फिल्म जो है इट्स कम्प्लीटली ऑन पेपर, जो भी रीवर्किंग है वो यहाँ पर हो रहा है इस फिल्म के लिए। एंड डेफिनेटली इस साल के अंत होते होते बुल जो है फ्लोर्स पर दिखाई दे रही है। अब जब डायरेक्टर को बोलने का परमिशन दे दिया है तो समझ लो ऑलमोस्ट मामला जो है सेट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आई एम सुपर एक्साइटेड गाइस। यहाँ पर आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बुल जब भी बनेगी बहुत ही परफेक्ट फिल्म बनेगी। धर्मा में इसका प्री प्रोडक्शन, इनफैक्ट इसके म्यूजिक पर जो है, मैंने आपको आज से 2 महीने पहले ही बताया था, म्यूजिक पे भी काम जो है इस फिल्म का शुरू हो चुका था। एंड इट्स गोना बी अ मिक्स्ड बैग ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स जो कि इस फिल्म का म्यूजिक देंगे। जस्ट इमेजिन किस तरह की ये फिल्म होगी, कितना प्रॉपर प्रेप जा रहा है इस फिल्म में। आफ्टर डायरेक्टर विष्णुवर्धन कन्फर्मेशन, बुल जो है फाइनली अब मीडिया के पिक्चर जो है सामने आ चुकी है। तो सलमान खान है सिकंदर एंड ही हैज बुल, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नथिंग विच सलमान खान हैज सेड ऑफिशियली यस टू। ओके गाइस, सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा, सो पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मामा अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। आप किसके लिए एक्साइटेड हो? चलो कमेंट सेक्शन ओपन करता हूँ सलमान फैंस के लिए, बुल या सिकंदर, द कमेंट्स इज योर्स। स्टे कूल मैन।